वेलकम बैक टू जागो लाहौर। ब्रेक के बाद हाजिर हो चुके हैं जनाब। आपके साथ मजेदार सी डिस्कशन हम करते रहते हैं, कुछ आपके हेल्थ रिलेटेड मसाइल हैं उनको भी हम एड्रेस करते हैं, उसके साथ साथ आपको सोशल इश्यूज पे भी बात करते हैं। आज हमारे पास एक बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। हम हमेशा फोकस करते हैं कि बच्चों के साथ, फैमिली के साथ, इवन आपस में भी एक फैमिली टाइम होना चाहिए, क्वालिटी टाइम होना चाहिए। इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, इस पर आज हम बात करने वाले हैं। उसके लिए हमारे साथ मौजूद होंगी मारवी खान, जो कि कम्युनिटी एजुकेटर हैं। उनको वेलकम करेंगे। वेलकम टू द शो मारवी। कैसे हैं? थैंक यू सो मच फॉर कमिंग मारवी। हम आप भी हमेशा कहती हैं और हम सब जब भी होता है कि हमें ये कहा जाता है कि फैमिली टाइम, क्वालिटी टाइम बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इम्पोर्टेंस पर बात करेंगे आज। अर्मिला, स्टार्ट करूँगी एक रिसर्च से, बिकॉज मसला ये होता है कि हम, जैसे आपने कहा, मैं भी कहती रहती हूँ और जो और भी गेस्ट आते रहते हैं, हर दफ़ा इस बात पे कहा जाता है फैमिली टाइम, फैमिली टाइम। और हमारे यहाँ एक बहुत कॉमन सी चीज़ ये है कि फैमिली टाइम को, बिकॉज वन यूनिट घर है, एक कमरे के घर हैं, ज़्यादा दो कमरों के घर हैं, और क्योंकि हम ज़्यादातर एक दूसरे को नज़र आते रहते हैं तो हमें लगता है कि फैमिली टाइम हो गया, हम एक दूसरे को नज़र आ रहे हैं कहीं कहीं, तो वो फैमिली टाइम हो गया। जबकि फैमिली टाइम ये नहीं है। सबसे पहली चीज़ तो अपने दिमाग से निकाल दीजिए, बिकॉज अभी यही गुफ्तगु चल रही होगी, आप सोच रहे होंगे यार नज़र तो आते हैं रोज़ एक दूसरे को, क्या फैमिली टाइम, बट वो फैमिली टाइम नहीं है। हार्वर्ड एडल्ट डेवलपमेंट सेंटर, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी की एडल्ट डेवलपमेंट सेंटर की रिसर्च ये कहती है, दिस इज द लॉन्गेस्ट रिसर्च अर्मिला, 80 ईयर्स लंबी रिसर्च है। अच्छा। जिसमें उन्होंने डिफरेंट तबका फिक्र के लोगों को लिया, उनकी सोशल बैकग्राउंड्स पे डिफरेंट थे, फाइनेंशियल बैकग्राउंड्स पे डिफरेंट थे, और उसके बाद जाहिर सी बात है 80 साल एक इंसान की बड़ा होना, उसकी स्टडीज आ जाती है, उसकी फैमिली आ जाती है, उसके बाद उसके बच्चे आ जाते हैं, तो वो 80 सालों पे मुहित लंबी रिसर्च ने ये एंड में ये निकला, कंक्लूजन ये निकला कि जो लंबी जिंदगी है या सेटिस्फैक्ट्री जिंदगी है, उसका दारोमदार क्या है? गेस वेल, उसका दारोमदार है एक्चुअली रिश्तों की मजबूती, रिलेशनशिप्स, द स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप्स, एम्ब्रेसिंग योर कम्युनिटी एंड रिलेशनशिप्स। तो इतना जरूरी है फैमिली टाइम, इतनी जरूरी है आपके खानदान, इतना जरूरी है आपके लिए रिश्ते, बिकॉज एट द एंड ऑफ योर लाइफ, एट द एंड ऑफ योर लाइफ, आपकी जिंदगी के अख्तियार पे अगर कोई चीज़ मैटर करेगी तो वो आपके रिश्ते मैटर करेंगे। और फैमिली टाइम रिश्तों की मजबूती का टाइम होता है। मतलब हम अगर ये कहें कि बच्चे, जैसे मैंने पहले भी एक दफ़ा एक जुमला बोला था कि पहले 5 साल तक बच्चे अपने लफ्ज़ों के मानी लेते हैं, तो वो रिश्तों के मानी फैमिली से सीखते हैं। जितना टाइम वो फैमिली में स्पेंड करते हैं या बच्चे बड़े होते हुए, वो ये देखते हैं कि एक बाप का मतलब क्या होता है, एक माँ का मतलब क्या होता है, नाना नानी का मतलब क्या होता है, दादा दादी का मतलब क्या होता है, निभाना किसको कहते हैं, बर्दाश्त किसको कहते हैं, सबर किसको कहते हैं या मोहब्बत किसको कहते हैं, ये सारे मानी आपको आपका ख़ानदान देता है अगला। और सबसे ज़रूरी चीज़, एक इंसान जो अल्लाह ताला ने जिसको फितरत के ऊपर बनाया है ना, उसकी फितरत में एक डिमांड है, और वो डिमांड है कम्युनिटी, वो डिमांड है रिश्ते, वो डिमांड है उसके इर्द गिर्द लोगों का होना, क्योंकि हम बींग है ना, हम ह्यूमन बींग है ना, जानवर तो नहीं है, सोशल एनिमल है, तो उसकी जो डिमांड है, फितरी डिमांड, वो है रिश्तों की मजबूती। अच्छा, अब अगर किसी बच्चे को, किसी एडल्ट को वो डिमांड घर से नहीं मिल रही, तो वो कहाँ ढूंढेगा? वो बाहर ढूंढेगा। फिर हम बड़े मजे से ये कहते हैं ये बच्चे हमारी बात नहीं सुनते, हमारे पास नहीं बैठते, बिल्कुल एग्जैक्टली, दोस्तों में खुश रहते हैं। भाई, अगर उसको ताल्लुक घर में नहीं मिल रहा तो कहाँ मिलेगा? उसको बाहर मिलेगा। तो ये है इम्पोर्टेंस रिलेशनशिप्स की, कि आपकी ज़िंदगी के आखिर में सिर्फ आपके रिश्तों की मजबूती आपकी मयारे ज़िंदगी को डिटरमिन करेगी कि आपने कैसी लाइफ जी है। बिल्कुल। इनफरादी खुद इतमादी पे आ जाते हैं, जैसे मैंने अभी आपको ये कहा कि अगर एक इनफितरी ज़रूरत है रिश्ते, तो इनफरादी खुद इतमादी आपको आपका ख़ानदान देता है। मतलब आपको इससे पहले कि आप टीचर से मिलते हैं, इससे पहले कि आप अपने दोस्तों से मिलते हैं, घर से आपकी मदर, आपके फादर, बहन भाई, ये सब होता है। एग्जैक्टली। और खाली बहन भाई और माँ बाप का साथ रहना नहीं है, मिला जो वो आपको लव्स देते हैं, जो वो आपको आपका एक इमेज देते हैं, फैमिली आपको आपको सेल्फ इमेज देती है। बहन भाई, अगर आपको, बहुत सारी फैमिलीज में ऐसे होता है कि एक मिथ बन जाती है, किसी का कलर अगर थोड़ा सा वो है कि ये तो ऐसा ही है, तो सारी जिंदगी उसके दिमाग में वही चीज़ रहती है। अगर कोई बहन ज़्यादा प्यारी है किसी और बहन से और वो इस चीज़ को फैमिली केटर नहीं करती है, तो सारी जिंदगी उसके दिमाग में एक चीज़ रहती है कि मैं शायद ज़्यादा खूबसूरत नहीं हूँ, और फिर वो ये जो सेल्फ ग्रेटिफिकेशन है, वो जो अपनी अपनी जो एक खुद एतमादी है, वो फिर दूसरों में जाकर ढूंढेंगे और उसके लिए गलत तरीके इस्तेमाल करेंगे। सो दिस इम्पॉर्टेंट इट इज एक्चुअली टू बी इन अ फैमिली और फैमिली के साथ होना। ठीक हो गया, फैमिली की इम्पोर्टेंस पे हमने बात कर ली। अच्छा, टाइम और क्वालिटी टाइम दो डिफरेंट चीज़ें। अब वो जैसे आप पहले बात करी थी कि नज़र आना की हद तक हम समझते हैं कि हमने टाइम गुजार लिया,
लेकिन अगर हम टाइम गुजार भी रहे हैं ना तो हम क्वालिटी टाइम नहीं गुजारे, और क्वालिटी टाइम मेरे ख्याल से ज्यादा इम्पोर्टेंट है टाइम की निस्बत। चाहे आप जो दो घंटे आपने मोबाइल पे बैठकर आमने सामने बात करनी है तो आप 15 मिनट एक डिस्कशन में भी गुजार सकते हैं। एग्जैक्टली, खुद ही आपने सारे जवाब दे दिए। वक्त गुजारना और वक्त जीने में फर्क है मेरा, सेम डिफरेंस जिंदगी गुजारने और जिंदगी जीने में फर्क है। रिश्ते आपको जिंदगी आप जीते हैं उनके थ्रू। मैं हमेशा एक हमारा एक बड़ा फेवरेट पूरी नेशन का भी और खैर सब एक जुमला है, मेरे पास वक्त नहीं है। और वक्त क्या मिला, क्या है जो आपके पास नहीं है? तरजीहात। वक्त आपका 12 घंटे का घड़ी की सुइयों को टिक 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 नहीं है, बल्कि आपकी तरजीहात होती है। अगर आप सिर्फ अपना एक जुमला तब्दील कर लें मुआशरे में, आप ये मत कहे मेरे पास वक्त नहीं है। कोई आपको कहता है यार आज फॉर एग्जांपल आज चलो मिलके बैठते हैं, तो आप उसको ये मत कहे मेरे पास वक्त नहीं है, आप उसे ये कहे तुम मेरी तरजीह नहीं प्रायोरिटीज में शामिल नहीं है, सॉरी आई हैव सो मेनी बेटर थिंग्स टू डू। तो फिर आप देखें कि आपकी भी सोच तब्दील हो जाएगी। अगर वाकई वो आपकी तरजीह हो, अगर वाकई वो आपकी प्रायोरिटी, You do not have time. You make time. Normally भी हम अपनी normal routine में देखें, हम manage कर लेते हैं। जिस काम के लिए हमें जरूरत होती है हम उसके लिए manage किसी भी सूरत में करते हैं, किसी भी सूरत में। तो ये जो लफ्ज है ना तरजीह, इसको अपनी जिंदगी में जरा हम लोग लफ्जों को बहुत गलत इस्तेमाल करते हैं। मेरे पास वक्त नहीं है, वक्त सबके पास है। और वक्त को बुरा कह कह के हमने एक्चुअल में वक्त में बेबरकती डाल दी है काफी हद तक। हम अल्लाह से दुआ मांगते हैं हर चीज में बरकत की, शायद हमें वक्त में बरकत की भी दुआ मांगनी चाहिए। कमिंग बैक टू योर क्वेश्चन अबाउट क्वालिटी टाइम, यस, क्योंकि मैं मानती हूँ कि मदर्स भी वर्किंग है, फादर्स भी वर्किंग है, बहुत सारे घरों में न्यूक्लियर फैमिलीज हैं, नाना नानी दादा दादी भी बहुत कम है क्योंकि हम साथ नहीं रहते हैं। तो क्वालिटी टाइम स्पेंड करने का मकसद सबसे सबसे ज़रूरी चीज़ अर्मिला ये है कि एक तो ये कि हम जब साथ होते हैं ना तो साथ ही से हम भागे क्यों हैं, क्योंकि हमने वो जो साथ रहने वाला टाइम है उसे कटेरा टाइम बना दिया। हम ये समझते हैं कि क्वालिटी टाइम स्पेंड करना या करना इसका मतलब ये कि अच्छा तुमसे आज क्या क्या गलतियां हुई हैं, क्या क्या हुआ है आज सारा दिन में, मतलब वो उसके ऊपर बजाय इसके कि उसको एक वक्त को बेहतर यूटिलाइज करना या उसको हेल्दी डिस्कशन एग्जैक्टली उसको दूसरे की खुद एतमादी बढ़ाने के लिए इस्तेमाल करना, हम उसको कटेरा टाइम में इसको कहती हूँ कटेरे में ला, तो सब बच्चे भागते हैं। क्वालिटी टाइम का मतलब ये है कि आप जो आपने देना चाहते हैं ना, जो आप सोच समझ के एक दूसरे को डिलीवर करना चाहते हैं, चाहे वो मोहब्बत का एहसास हो, चाहे वो जिम्मेदारी का एहसास हो, चाहे तुमको किसी चीज़ से मुतारिफ करा रहे हैं, अपनी फैमिली ट्रेडिशन से मुतारिफ करा रहे हैं, अपनी कंट्री से मुतारिफ करा रहे हैं, अपने मज़हब से मुतारिफ करा रहे हैं, आप सोच समझ के वो चीज़ डिलीवर करें उसके अंदर। अब इनमें से कुछ कुछ पॉइंट्स जो मैं क्योंकि हमें ये कहते हैं करेंगे कैसे, उसकी सबसे बड़ी चीज़ ये है कि जब आप साथ हो ना तो ज़्यादा कोशिश करें स्ट्रेंथ्स को एक दूसरे की हाईलाइट करने की, ठीक है, प्रेज जिसको हम कहते हैं, क्योंकि अगेन एक फितरी ज़रूरत है कि मुझे तारीफ मिले, मुझे पता चले मैं सही हूँ मैं गलत हूँ। इंसान अब काम करके भी बच्चे कहते हैं ना मिस ये ठीक है कि नहीं, या हमारे घर में भी हम प्यार होकर अम्मा बाबा से पूछ रहे होते हैं हम ठीक लग रहे हैं कि नहीं, तो प्रेज और तारीफ आपकी एक्चुअली फितरी ज़रूरत है। जो आपका ख़ानदान अगर सेटिस्फाइड नहीं करता अर्मिला तो आप उसके गलत तरीके बाहर ढूंढते हैं। तो जब आप साथ हों तो पहली कोशिश ये करें कि आप अपनी स्ट्रेंथ्स के ऊपर, जो भी बच्चों में स्ट्रेंथ्स है, मियाँ बीवी की स्ट्रेंथ्स है, बीवी मियाँ की स्ट्रेंथ्स है, माँ बाप बच्चों की स्ट्रेंथ्स है, बच्चे माँ बाप की स्ट्रेंथ्स के ऊपर फोकस करें, एक दूसरे की तारीफ के ऊपर फोकस कीजिए। अच्छा, फिर दूसरी चीज़ ये, एक मील साथ में ज़रूर लेना अर्मिला। अच्छा। मतलब एक खाना कम अज कम, तीन खाने चार खाने, चाहे वो शाम की चाय हो, चाहे वो रात का, चाहे वो बहुत तो कुछ भी नहीं है। अगर आप अगर इतने बिजी अपने शेड्यूल में आप थोड़ा सा टाइम स्केड्यूल में इतना निकाल लें कि आप एक चाय साथ में पी लें या खाना ही खा लें, तो मेरे ख्याल से ये भी आजकल के दौर में गनीमत है। गनीमत तो है, बट यस, जितना वक्त आप अपने खानदान पे स्पेंड करते हैं, सुन्नत है, हदीस है, वो सारा वक्त आपके लिए सदका जारिया बनता है। और वो सारा वक्त आपको, क्योंकि आप जितना खर्च करते हो अपने खानदान पे, वो आपके लिए सदका है। और सबसे बेहतरीन खर्च आप अपना वक्त कर सकते हैं शायद किसी के ऊपर। बिल्कुल जबरदस्त, थैंक यू वेरी मच मावी, बहुत शुक्रिया कि आपने इतनी जबरदस्त। आई होप आज स्टेटस 8 बजे के बाद फैमिली टाइम, और नो डाउट ये चीजें वाकई आज खुद भी एहसास होते हैं कि हम बहुत फैमिली से या टाइम से या क्वालिटी टाइम से दूर होते चले जा रहे हैं। हम बहाना तो यही करते हैं कि जनाब मसरूफियत ऐसी है, क्राइटेरिया ऐसे है, वक्त नहीं है, लेकिन ये
तमाम तर बहाने रह जाते हैं, सिर्फ प्रायोरिटीज की बात होती है। मैं भी हमारे साथ मौजूद थी जनाब, और अभी हम जरा सभी की जानिब रुख करेंगे और सभी से हम बात करेंगे, क्योंकि सभी हमें अक्सर मार्केट की सूरत हाल पे बताते रहते हैं, फल सब्जियां हैं तमाम तरह। लेकिन आज हम बात करेंगे जरा रेट लिस्ट और आम मार्केट में जो रेट है उनमें फर्क के हवाले से। सभी जानना चाहेंगे इस वक्त आप कहाँ पर मौजूद हैं और किस तरह का डिफरेंस आप देख रहे हैं। ये अर्मिला हड्डी शॉप के करीब कैरी शॉप का ये इलाका है, यहाँ पर तमाम तरह सब्जियों की दुकानें भी हैं, इसके साथ साथ फल फ्रूट्स की दुकानें भी हैं। तो सब्जियों के बारे में बात कर लेते हैं, और आपको ये बताएं कि कल भी आपको गा किया था कि टमाटर जो हैं वो सस्ते हो गए हैं, तो शहरियों के लिए अच्छा मौका है, वो टमाटर को भरपूर तरीके से खा सकते हैं, और जो पिछले दिनों में वो नहीं खा सके वो इस वक्त सब्जियाँ तमाम तरह सब्जियाँ तकरीबन सस्ती हुई हुई हैं। अब कैरी शॉप की बात कर लेते हैं, कल तो हम थे सब्जी मंडी में, कैरी शॉप की बात करते हैं, हमारे साथ दुकानदार भी मौजूद हैं। और टमाटर की बात की जाए तो यहाँ पर 40 रुपए टमाटर बिक रहा है, जैसे कि मैंने आपको बताया कि 30 रुपए जो टमाटर है वो मंडी का रेट है। अब इनसे हम बात करते हैं, हमारे साथ मौजूद सर, थोड़ा सा आगे आइएगा, ये बताइएगा सर टमाटर किस तरह है? 40 रुपए किलो अच्छे वाला, हल्के वाला 30 रुपए किलो। ये बताएं साथ साथ प्याज लीमू ये किस तरह है? प्याज है 30-25 और लीमू है 160-120। ये लोगों को कैसे फर्क पता चलता है कि 30 वाली चीज कौन सी है 40 वाली चीज कौन? अरे लोग खा ले रहे हैं, कोई बात नहीं है, चीज देख के अगले पैसे देते हैं। ये आपने दुकानदार की बात सुन ली। अर्मिला एक बड़ा इंटरेस्टिंग फैक्ट आपको दिखाना चाह रहा हूँ, अगर आप मुझे सिर्फ एक मिनट दें। और इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि मैंने कोई इलाका चेंज नहीं किया, सिर्फ एक दुकान से मैं दूसरी दुकान की तरफ जा रहा हूँ, और आपको ये दिखाऊंगा कि एक दुकान के बिल्कुल साथ वाली दुकान पर क्या रेट है। यहाँ पर टमाटर का रेट आपने देख लिया कि 40 रुपए रेट आपको बताया अर्मिला इन्होंने, और अभी हमारे साथ भाईजान मौजूद हैं। भाई साहब जरा एक सेकंड दिएगा, ये बताएं कि टमाटर किस तरह है? सर 40 रुपए किलो है टमाटर। अच्छा, तो आप अभी 50 रुपए भी बेचे हैं, तो 50-40 बोला 40 रुपए कर दूंगा, ठीक है मैंने 40 कर दिए, 40 कर दिए, पहले 50 रुपए पहले 50 भेज रहे थे। तो ये बताएं कैसे फर्क किस तरह रखते हैं आप, मंडी में 30-35 रुपए है तो यहाँ पर 40-50, कैसे आप खुद कैसे रेट सेट करते हैं? हम जो रेट होता हमारा, हम जो हमारा टमाटर रियायत हो गया, बहुत कम आ गया, इसलिए टमाटर आपके वाफिर आ गए। हाँ बहुत ज्यादा टमाटर, जो जो दुश्वारी थी लोगों को वो खत्म होगी, खत्म होगी वो। अर्मिला आपको आप ये बात सुनिए, आपको यहाँ लाने का मकसद ये था ये दिखाने का, टमाटर जो है वो 50 रुपए बेचा जा रहा है, एक दुकान के बिल्कुल साथ दुकान है जो 50 रुपए बेची है, और बिल्कुल साथ वाली दुकान जो है वो 40 रुपए बेची, यानी कि कोई मैकेनिज्म ऐसा नहीं है कि इंतजामिया इसके ऊपर चेक एंड बैलेंस रख सके, एक दुकानदार 50 पर ही वेरी कर रहा है जो रेट है, चाहे टमाटर की बात की जाए चाहे किसी भी सब्जी की बात की जाए। सभी आप हमारे साथ ही मौजूद रहेगा, रजा का रुख करेंगे। रजा इस वक्त मंडी में मौजूद है, क्योंकि सभी तो हमें आम दुकानों के रेट के हवाले से बता रहे थे। रजा आप इस वक्त कौन सी मंडी में मौजूद है और यहाँ पर रेट की क्या सूरत हाल है? अर्मिला मैं इस वक्त सिंहपुरा सब्जी मंडी में मौजूद हूँ, और अगर हम रेट की बात करें तो जो सब्जियाँ हैं ख़ास तौर पर, उनको तो लग रहा है कि जैसे उनका ग्लूकोज डाउन हो गया है, उनके रेटों का बिल्कुल ही जो रेट हैं वो गिर गए हैं। टमाटर यहाँ पे जो है वो 30-35 रुपए तक फरोख्त हो रहा है, जो आलू है वो जो है 15 से लेकर जो है ज़्यादा से ज़्यादा 22 रुपए तक वो यहाँ पर फरोख्त हो रहा है। प्याज जो है 23-25 रुपए तक थोक और परचून का रेट निकला है, उस तरह से फरोख्त हो रहा है। टमाटर यहाँ पर जो है वो उस तरह से सेल नहीं हो रहे यहाँ पर जो दुकानदार हैं। मैं आपको सभी ने आपको जो दुकानदार हैं जो रिटेलर्स हैं उनका पॉइंट ऑफ व्यू दिया, मैं आपको जो कस्टमर्स यहाँ पर आए हैं उनसे बात करवाता हूँ कि कैसे वो उनका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है। काफ़ी सारी ख़रीदारी करके जा रहे हैं, काफ़ी देर उन्होंने हमारे साथ वेट किया। ये बताएं द्वार साहब कि क्या क्या ख़रीदा, क्या क्या आपने, थोड़ा सा इधर देखेंगे हमारी तरफ, और किस तरह से मिला आपको टमाटर प्याज? और मैंने सर टमाटर खरीदे हैं 130 रुपए भी हैं और 140 रुपए दड़ी 5 किलो हैं। तो ये किलो किस 140 रुपए अच्छे वाले टमाटर मिले हैं जो मैंने लिए हैं अच्छे वाले। तो आलू मैंने लिए हैं 5 किलो, वो मुझे 50 रुपए किलो मिले हैं अच्छे वाले आलू जो हैं। 50 रुपए किलो की दड़ी? 50 रुपए दड़ी, सॉरी 10 रुपए किलो, 10 रुपए किलो हो गए सर। और अदरक मैंने 180 रुपए किलो खरीदी है, 70 भी थी लेकिन अच्छी वाली खरीदी है 180 रुपए किलो मैंने। तो मिर्च जो है 30 रुपए किलो मैंने खरीदी है, 30 और 40 तक है अच्छी वाली मिर्च जो है। ये बताएं जो हफ्ता पहले मंडी के रेट थे, जो पहले जो रेट चढ़े हुए थे, अब एकदम नीचे फील हुए आप? बिल्कुल जी, यकदम मैंने सारा फेर टोर कर देखा है, यकदम जो है ना नीचे आ गए हैं सारे रेट, सर नीचे है। क्या जी क्या वजह क्या बन रही है, कुछ समझा? सामान अगर पीछे से ज्यादा आता है तो कम रेट हो जाते हैं, यही मसला होता है। बस ऐसे ले लिया जाके लिस्ट वगैरह देखिए जी, रेट तो बिल्कुल अभी बिल्कुल बिल्कुल सही रहे। एक लिस्ट होती है सरकारी, वो चेक की? नहीं सर वो मैंने नहीं चेक की। यहाँ पर अगर हम फलों की थोड़ी सी बात कर लें तो यहाँ पे जो है वो भी उनके भी जो रेट हैं वो डाउन जरूर हुए, खासकर जो सेब हैं, लेकिन उनके अंदर
जो रेट है उसको उस तरीके से उसके मुताबिकत नहीं है लिस्ट के मुताबिक। फॉर एग्जांपल अगर यहाँ पे अमरूद 3200 रुपए हैं तो वो बिक रहे 100 रुपए हैं, इतना ह्यूज डिफरेंस भी है जो चीज़ें यहाँ पर बेची जा रही हैं। तो ये आपको मैंने बताया कि जो यहाँ पे जो खरीदारी करके जा रहे हैं लोग, सभी और रजा दोनों हमारे साथ मौजूद थे, सभी ने हमें बताया कि मार्केट पे क्या रेट है और यहाँ पर एक दुकान से दूसरी दुकान पर किस तरह से वेरी कर रहा है। जबकि रजा हमें मंडी से बता रहे थे कि यहाँ पर जो सब्जियों के जो रेट्स हैं वो काफी हद तक डाउन भी हुए हैं और जो रेट लिस्ट है उसमें भी ऊंच नीच है। बहुत शुक्रिया आप दोनों रिपोर्टर्स का कि आप हमारे साथ मौजूद रहे। जनाब हम आपको वक्तन फवक्तन ये गाइड करते रहते हैं अपने शो पर कि जब आप मंडी और मार्केट की सूरत हाल को देखें तो इंतजामिया का क्या रोल है, ये तो एक सवालिया निशान है। अभी हम ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद हाजिर होंगे, आपको मजीद भी मेहमानों से बुलवाएंगे। आप देखते रहिए जागो लाहौर।